गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय सेल्फ ओम प्रकाश ठाकरे, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राउतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। आज हम सब्जेक्ट लेंगे कैट कैम। इसमें यूनिट नंबर 2 एडिटिंग व्यूइंग ड्राइंग एंड डाइमेंशनिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विमांकन का परिचय। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइमेंशनिंग। इसमें प्रत्येक ड्राइंग में कि उसकी यथार्थ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, साइज, छिद्र तथा खांचे की स्थिति आदि की जानकारी जो कि उसके निर्माण में आवश्यक होती है विमांकन कहलाती है। विमांकन हेतु रेखा चित्र, संख्यात्मक संकेत, सिंबल, नोट आदि का उपयोग होता है। विमांकन के अवयव प्रोजेक्शन रेखा या एक्सटेंशन रेखा, विमांकन रेखा, एरोहेड तथा विमान होते हैं। विमाओं को सतत पतली रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ऑटोकैड में निर्देश रेखा पर DIM डीम लिखकर विमांकन के उपलब्ध विकल्पों की सहायता से विमांकन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डाइमेंशनिंग। टाइप्स ऑफ डाइमेंशनिंग में 3 टाइप के डाइमेंशनिंग है, जिसमें फर्स्ट है रैखिक, जिसको लीनियर बोला जाता है। सेकेंड त्रिज्यिक, त्रिज्या में व्यास, इंग्लिश में इसको रेडियस एंड डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड कोनीय, जिसे हम एंगुलर कहते हैं। विमांकन जो चित्र में दिया हुआ है तथा ऑटोकैड की विमांकन टूल बार को चित्र 4 में दिखाया गया है। तो ये आपका शीट मेटल पार्ट्स है, इसकी ड्राइंग ये दी हुई है। इसमें देखिए जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लीनियर है उसमें डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है 200 mm। नेक्स्ट दिस इज द हॉरिजॉन्टल लीनियर। नेक्स्ट एंगुलर में आपको दिया हुआ है अलाइनमेंट के पास में एंगुलर डायमेंशन 100। वर्टिकल लीनियर भी दिया हुआ है जो कि शीट मेटल को उसके डायमेंशन के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें त्रिज्या एवं व्यास त्रिज्यिक भी दिया हुआ है, जो डायमीटर है उसको एक डिस्टेंस पे डायमीटर मेंशन किया हुआ है। एवं जो इसमें स्मॉल सर्कल जो दिया हुआ है R20 वो रेडियस इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से जो विमांकन के प्रकार में कंटिन्यूस डायमीटर और साथ में वर्टिकल लीनियर अलाइनमेंट, एंगुलर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इस तरीके से ये पूरे मशीन पार्ट्स में सब अलग अलग उसका जो डाइमेंशनिंग है वो दिया हुआ है। तो डाइमेंशनिंग हम जो हमारे पास में जो लाइन रहती है जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसके ऊपर में हम लोग सेंटीमीटर में या फिर MM में या मीटर में हम लोग इस यूनिट के थ्रू शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैखिक लीनियर। तो रैखिक विमांकन क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्व, वर्टिकल और पंक्तिबद्ध अलाइन हो सकते हैं। अलाइन विमांकन में विमांकन रेखाएं वास्तविक या आभासी रेखा के समांतर एक्सटेंशन लाइन के बीच होती है। रैखिक विमांकन को दिखाया गया है, इसमें एक्सटेंशन रेखा के मूल को 1 तथा 2 से दिखाया गया है। विमांकन रेखा की स्थिति 3 से दिखाई गई है। जब रैखिक विमांकन किया जाता है तब टेक्स्ट का कोण तथा विमांकन रेखा के कोण में संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें जो डायग्राम दिया है, डायग्राम ए हॉरिजॉन्टल, डायग्राम जो बी है वह है वो वर्टिकल है। तो इसमें देखिए अब ये वन टाइप एक पाइप टाइप का शेप है, जिसमें स्मॉल साइज है लेफ्ट साइड में, बीच में उसका कोनिकल सेक्शन है और जो लास्ट में है नीचे में बॉटम में उसका बिगर साइज है जो बड़ा डायमीटर है। तो इसमें रैखिक लीनियर निमांकन उसमें किया गया है जो कि देखिए 0.1 है और 0.2, इसके बीच का डिस्टेंस है 53.54, तो ये इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट वर्टिकल इसमें जो मेंशन किया है, ऊर्ध्व जो दिया हुआ है इसमें भी देखिए 0.1 और 0.2 के बीच का वर्टिकली डिस्टेंस जो दिया हुआ है 30.46, तो वर्टिकल है। तो इस तरीके से इन्होंने डाइमेंशनिंग किया है, विमांकन किया है। नेक्स्ट अलाइन किया हुआ है, इसमें 2 पाइप दिए हुए हैं, उस पाइप के बीच में और एक कोनिकल सेक्शन का पाइप लगा हुआ है और लास्ट में जो बॉटम में दिया हुआ है इसका बिगर डायमीटर है उसको भी उसने निमांकन किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है। तो इसमें 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 61.85 दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके हिसाब से नेक्स्ट दिया हुआ है रोटेट 315 डिग्रीज में उसको हमने रोटेट किया है। तो अलाइन करने के बाद में उसको जैसा उसने रोटेट किया है तो वो भी डायमेंशन उसमें दिया हुआ है। तो 0.1 और 2 इसके बीच में 60.00 जो MM में है वो भी इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो दिस इज द
डायमेंशनिंग। थैंक यू।